रोहन बेटा, क्या तुम और खाना खाओगे? एक औरत थी जो अपने पास में बैठे हुए अपने बच्चे को खाने के लिए पूछती है, और वो कोई और नहीं था, वो हमारे इस कहानी का हीरो रोहन था। हाँ माँ, मुझे भी चाहिए, लो और थोड़ा डाल दो। उसके साथ में रोहन अपना बर्तन आगे करता है और उससे कहता है। रोहन एक बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा था, उनके पास में ना कुछ ज्यादा पैसा था और ना कुछ और था, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल ठीक तरह से जी रहे थे। माँ, मैं भी यहाँ पर रहना एक साधक बनूंगा और एक बहुत अच्छा साधक बनकर यहाँ पर पैसे कमा कर देने वाला हूँ, ताकि आपको है ना और ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े। तो उसकी माँ उससे कहती है, हाँ बेटा जरूर, लेकिन हमारे पास में इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साधना के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन्स को इकट्ठा कर सके। तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी इसके अंदर कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए रोहन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और उसके साथ में कहता है, माँ इसकी चिंता मत करो, मैं कहीं से जुगाड़ लगा लूंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर केवल अपनी थोड़ी सी ताकत बढ़ानी है और किसी सेक्ट के अंदर चला जाना है। किसी अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के बाद में मैं वहाँ के सारी की सारी चीजों को एक साथ यूज के अंदर ले सकता हूँ और उसके साथ में एक अच्छा साधक बन सकता हूँ, ताकि मैं आगे जाने वाले टाइम के अंदर एक पावरफुल वॉरियर बन सकूँ और फिर आपको अच्छी कमाई देकर यहाँ पर आपको खुश रख सकता हूँ। ठीक है ना माँ, रोहन अपनी माँ से कहता है। तो उसके साथ में ही रोहन की जो माँ थी वो मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ बेटा हाँ ठीक है, तुम बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करना, लेकिन तुम्हें यहाँ पर किसी अकेडमी के जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। रोहन अपनी माँ की बात सुनने के साथ में ही अपना सर हिला देता है और उसके बाद में वो दोनों खाना खाने लगते हैं और बस बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद में जब वो यहाँ पर खाना खा लेते हैं तो उसके साथ में जो रोहन था वो अपने बर्तन को साइड रख देता है और कहता है, ठीक है माँ मैं बाहर जा रहा हूँ। उसके साथ में ही जो रोहन था वो अपना गमछा पहनता है और वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। जल्द ही रोहन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे लोग थे। उन सभी लोगों ने यहां पर अपने कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े बहुत ज्यादा अजीब थे। रोहन यहां उन सभी को देखकर अपना सर हिलाता है, हाँ चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं उस दुनिया के अंदर आ चुका हूँ जो मैं यहाँ पर कहानियों के अंदर पढ़ा करता था। रोहन इस दुनिया का नहीं था, रोहन एक दूसरी दुनिया से आया हुआ था। रोहन एक दिन यहाँ गेम खेल रहा था, वो बड़ा खुश था कि वो यहाँ पर स्कूल से जाने के बाद में अच्छे से गेम खेल पाएगा, लेकिन जब वो घर जाकर गेम ऑन करता है कि अचानक से उसके सामने है ना एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के बाद में उसकी आंखें वहीं पर ही बंद हो जाती है। लेकिन जब वो फिर से यहाँ पर आता है और उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने का नजारा बिल्कुल चेंज हो चुका था और जब वो यहाँ पर उठता है तो वो इस रोहन की बॉडी के अंदर था। उसके बाद में रोहन ये समझ चुका था कि वो एक ऐसी दुनिया के अंदर आ गया है जो कहानियों की दुनिया से रिलेटेड होती है, जो हर एक इंसान ये देखता है कि अगर उसको भी ऐसी दुनिया के अंदर जाने का मौका मिले जहाँ पर जादू हो, जहाँ पर साधना हो, वो वहाँ जाकर अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता था। लेकिन रोहन जब यहाँ पर आता है तो उसको पता चलता है कि ये जैसी कहानियों की दुनिया होती है ना उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि रोहन को यहाँ पर आए कुछ समय हो गया था। और उसके साथ में जब वो यहाँ पर रोहन की पुरानी यादों को देखता है तो वो पाता है कि वो बहुत ज्यादा ही गरीब है और वो गरीब घर के अंदर पुनर्जन्म लेकर आया था। रोहन जब इधर उधर घूमता है तो उसके बाद में उसको ये पता चलता है कि ये जो दुनिया है इसके अंदर साधना ही सब कुछ है। यहाँ पर केवल ताकतवर ही किसी के ऊपर राज कर सकता है, केवल ताकतवर ही है जो यहाँ पर अपनी हर एक बात को मनवा सकता है, और उसके लिए यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा ताकतवर एक साधक बनना होगा। साधक के पास में ऐसी ताकत होती है कि वो किसी को भी यहाँ पर नीचे झुका सकता है। उसके बाद में रोहन फिर से अपनी पुरानी यादों से बाहर निकलकर उस मार्केट के अंदर घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे थे और वो सभी बातें कर रहे थे। अरे तुम्हें पता है कि आज तो यहाँ पर ये जो स्टार सोल्स एकेडमी है ना इसके अंदर आज एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। अरे हाँ मैंने भी सुना है कि आज यहाँ पर जितनी भी एकेडमियां होती है ना वो अपने एडमिशन को करते हैं। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आखिरकार हमारे लिए भी ये अच्छा होगा।
जब रोहन उन सभी की बातें सुनता है तो उसके साथ में उसकी आंखें चमक जाती है। क्या आज यहाँ पर एकेडमिक एडमिशन होने वाले हैं? अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मेरे को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद में जो रोहन था वो भी उन सभी के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ कुछ बच्चे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कि उनकी जो संख्या है ना वो 100 से 150 के आसपास में हो, और वो सभी एक जगह पर खड़े थे। वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा था और उस दरवाजे के पीछे था एक बहुत ज्यादा ऊंचा पर्वत और उसके ऊपर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। उन सीढ़ियों के आगे एक अकेडमी थी जिसका नाम स्टार स्पिरिट अकेडमी के नाम से था, और उसी चीज को देखते हुए यहाँ पर रोहन को एक उम्मीद की किरण मिलती है। आखिरकार मेरे को एक मौका मिल गया, मैं यहाँ पर शायद एडमिशन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ का बाहरी डिसाइपल भी बन जाता हूँ ना तो उसके साथ में तो मैं अपनी ताकत को भी बढ़ा सकता हूँ। रोहन इस चीज को सोचते हुए वहाँ पर इंतजार करने लगता है। रोहन को ये उम्मीद थी कि वो यहाँ पर अपनी इस नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ में ना उस चीज के अंदर जा सकता है, लेकिन रोहन ये नहीं जानता था कि किसी भी एकेडमी के अंदर जाने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाना होता है या फिर किसी तरह से साधना लेवल को बढ़ाना होता है। जब रोहन इसी बारे में बातें कर रहा था और उस तरफ देख रहा था कि अचानक से अरे वो देखो वो आ गए, मुझे लगता है कि हमारे जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर आ रहे हैं। जल्दी एक आवाज आती है और उस आवाज के साथ में सभी लोग एक तरफ देखने लगते हैं। तब वो उस तरफ देखते हैं कि अचानक से आसमान के अंदर दो आकृतियाँ दिखाई देने लगती है। अरे हाँ हाँ ये वही है, यहाँ की सेक्ट लीडर, एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है। और उसके साथ में ही वो जो दो आकृतियाँ थी वो जल्द ही नीचे उतर कर आती है। उन सभी की ताकत इतनी थी कि उन सभी का जो दबाव था वो यहाँ पर वो सभी बच्चे महसूस कर रहे थे। ये कितने ज्यादा ताकतवर हैं, मैं तो इनके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ ये देखो मेरे तो पसीने पसीने छूट गए, आखिरकार ये किस लेवल के ऊपर होंगी, आखिरकार ये कौन से चेतना लेवल के ऊपर हो सकती है, वहाँ पर एक बंदा कहता है। लेकिन उसी बीच चलो चलो ठीक है, यहाँ पर आज तुम लोग मुझे पता है कि इस एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आए हो। वो जो दो जने आए थे उनमें से एक बुढ़ा था, वो आगे पढ़ता है और कहता है और वो उनका सभी को बताता है। चलो ठीक है, यहाँ पर जो हमारी प्रिंसिपल है वो तुम सभी को ये बताएगी कि आज यहाँ पर एडमिशन करने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है। जैसे ही वो बुढ़ा यहाँ पर यह शब्द कहता है उसके साथ में सभी की निगाहें एक लड़की के ऊपर पड़ती है। वो लड़की बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, सफेद चोगे के अंदर वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बड़े बड़े विचार और उसके साथ में ही उसकी वो फिगर उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रही थी। और उस चीज को देखते ही यहाँ पर वाव ये कितनी ज्यादा अच्छी लड़की है, अरे ये तो मेरे सपनों की रानी है, आखिरकार क्या वास्तव में हमारी प्रिंसिपल अकेडमी के यहाँ पर ये ऐसे होंगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे हाँ हाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी। अरे अब तो हट जाओ, मैं ही हूँ जो यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर जाने वाला हूँ, मुझे तो इस अकेडमी के अंदर जाना है। अरे मैं पढ़ाई बाद में कर लूंगा लेकिन पहले तो मेरे को इसको पटाना है। अरे तुमसे नहीं पटेगी ये, आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो। उसके साथ में सभी बंदे ऐसे ही बातें करने लगते हैं और उन सभी के दिल तो ऐसे उछल कूद करने लगते हैं कि किसी पल वो उनके जगह से निकल कर मुँह से बाहर आ जाएंगे और उस अकेडमी के प्रिंसिपल की तरफ भाग जाएंगे। वहीं जब वो सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ वो जो प्रिंसिपल थी वो आगे बढ़ती है और कहती है चलो चलो ठीक है शांत हो जाओ, इसके अलावा अगर तुम्हें यहाँ इस अकेडमी के अंदर एडमिशन लेना है ना तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी योग्यता या अपनी साधना को दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें इस चीज की परवाह करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो प्रिंसिपल वहाँ पर वो शब्द कहती है तो उसके साथ में ही सभी लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं। क्या ये कह रही है, क्या वास्तव में यहाँ पर प्रिंसिपल भी थी ऐसा कुछ कहना चाहती है। नहीं नहीं क्या ये वास्तव में चमत्कार है, मेरे कान या सही सुन रहे हैं या गलत। अरे ओए हेलो मुझे एक चाटा मारना। उसके साथ में ही अरे इतना जोर से क्यों मारा तूने, अरे तूने तो कहा था, अरे तो इतना जोर से मारने की तूने कहा था तेरे को मैंने, लेकिन वास्तव में कितना ज्यादा अच्छा है, ये मैं सपना नहीं देख रहा, क्या हम लोग अब एक अकेडमी के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी खुशी के मारे उछलने लगता है,
क्या वास्तव में ऐसी बात है? क्या बिना पैसों के यहाँ पर हम लोग अंदर जा सकते हैं? हमें बिना साधना के अंदर लिया जा सकता है? उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इस खुशी को कैसे बाहर निकाले। वास्तव में हमारे प्रिंसिपल बहुत ज्यादा सुंदर भी है और बहुत ज्यादा अच्छी भी। कितनी ज्यादा दरिया दिली है इनके अंदर। लेकिन जब वो लोग इसी बारे में सोच रहे थे ना, उसी बीच यहाँ पर वो प्रिंसिपल कहती है, अरे रुको तो सही, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम लोग पता नहीं किस कंक्लूजन के ऊपर निकल चुके हो। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि यहाँ पर तुम्हें किसी साधना या ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूरत है पैसों की। यहाँ पर तुम्हें अगर इस अकेडमी के अंदर एडमिशन लेना है ना, तो तुम्हें कम से कम 10,000 लो ग्रेड की स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। उसके बाद में ही है ना तुम लोग यहाँ पर इस अकेडमी के अंदर आ सकते हो। और इसके अलावा तुम्हारे पास में और दूसरा चारा नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर 1 घंटा देती हूँ। 1 घंटे के अंदर तुम्हें यहाँ पर 10,000 लो लेवल के स्पिरिट स्टोन्स लेकर आकर यहाँ पर जमा कराने होंगे। उसके बाद में तुम इजीली यहाँ पर इसके अंदर आ सकते हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विधि यह शब्द कहती है ना, उसके साथ में ही सभी के मुंह फटक के फटे रह जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी उनको यहाँ पर किसी भूत ने सूंघ लिया हो।